बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल क्योंकि टिकटॉक पे कल ही पाबंदी लगी है, तो हरीम शाह यहाँ कराची में मौजूद थी, तो हमने कल्चर कमेटी की तरफ से इनसे रब्ता कायम किया कि क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव मीडिया है, बड़ी ऐप जो है बड़ी बनी हुई है, और टेक्नोलॉजी का क्योंकि दौर है जिसके अंदर हम भी चाहते हैं कि क्योंकि ये एक करंट इशू था, इसको हम डिस्कस करें, कोई क्योंकि ऐसा आदमी हो जो इसके ऊपर अपना मतलब अपना मशहूर आदमी हो जो जिसको वो समझता हो कि ये जो ऐप है या टिकटॉक है दीगर सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं इनके ऊपर अगर इसी तरीके से उनको बंद किया जाएगा, लोगों का जो एक इंटरटेनमेंट समझे होती है वो भी ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि पहले ही जो है टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जो है वो अपने कमरों में घरों में बंद हैं, जिसकी वजह से बड़ी मिसाइल का लोग शिकार भी हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमने देखा कि कल ही जब पीटीए ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है तो हमने रब्ता किया, तो हरीम शाह कराची में मौजूद थी और हमने इनको बुलाया कि इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को अवेयर भी करें, क्योंकि क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है एक ताकतवर मीडिया है, अगर इस तरीके से एक ऐप को बंद किया गया इसके बाद दूसरी ऐप तीसरी ऐप इस तरह सारी ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। जो हम भी क्योंकि हमारा मीडिया से ताल्लुक है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम भी रिपोर्ट करते हैं, तो पीटीए को भी चाहिए कि ऐसा मवाद जो है वो जो बेहुदा है या गलत है या तो उस आदमी को बैन किया जाए जो इस पर लोड करता है, ठीक है ना, उसको पूरी ऐप किसी भी तरीके से उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जो है वो रोज़गार भी कमा रहे हैं, उनका रोज़गार भी उससे मुंसलिक है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ें पीटीए को करनी चाहिए, जो आदमी लोड कर रहा है उसको ब्लॉक कर दे या ऐसा मवाद जो है उसको हटाया जाए ताकि लोगों को जो है वो एक एंटरटेनमेंट से महरूम ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐप लग जाए तो उनको ऐप्स को भी बंद करना पड़ेगा फिर हुकूमत को, तो लिहाजा ये इस वक्त हमारे साथ हरीम शाह मौजूद हैं, ये भी इनको भी कहेंगे कि इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये आया क्या अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से या इसका कोई ज़्यादा जो है वो लोगों के ऊपर असरात पड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि क्योंकि कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फरहान, सेक्रेटरी अरमान साहब और गोनिक पार्टी ने जो है वो दावत दी थी कि हम इनको बुलाकर इस हवाले से बात करें, क्योंकि हमने तो इनको दावत सिर्फ चाय के लिए बुलाया था ताकि बैठे हमारे साथ गपशप करें इस मामले के ऊपर, लेकिन ठीक है क्योंकि कल पीटीए की जानिब से इस पर पाबंदी लगाई गई है, तो लिहाजा मैं कहूँगा हरीम शाह को इसके ऊपर रोशनी भी डालें, बात भी करें और जो जर्नलिस्टों के सवाल आते हैं वो भी इसके साथ जो मुंसलिक हैं वो भी दें। जी हरीम शाह, क्योंकि आप सबको पता है कि टिकटॉक पे जो है तो पाबंदी आ चुकी है और इसका जो मेजर रीज़न बताया जाते हैं, जो मेन वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया है वो बेहयाई बताई जा रही है। क्योंकि बेहयाई को अगर मेन वजह बनाकर ये टिकटॉक को बैन कर रहे हैं तो ये एक गलत बात है, ये एक बेबुनियाद बात है, ये कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं है, ये कोई ऐसी ऑथेंटिक रीज़न नहीं है कि जिसकी वजूहत पर वो टिकटॉक को बैन कर दें। कोई भी ऐप है इंटरटेन टिकटॉक पे लोग आते हैं जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए और ये एक इंटरटेनमेंट का ऐप है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे टिकटॉक के अंदर अगर बेहयाई होती है या इस तरह के कोई भी एक्ट वगैरह क्रिमिनल एक्ट या ये होता है तो टिकटॉक के अंदर ऐसे बाकायदों की इंतजामिया ऐसी चीज़ों को खुद ब्लॉक भी कर देती है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट इस वजह से बैन भी हुए, ब्लॉक भी हुए। और अगर हुकूमत को चाहिए कि वो टिकटॉक के को बैन करने के बजाय वो ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाए या ऐसे लोगों को लोगों के सामने ले गए जो इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में मुलव्वस हैं या जो भी इस तरह की वो करते हैं, तो वो बेहयाई का खात्मा कर सकते हैं। चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया और बैन करने की उनके पास एक सॉलिड रीज़न थी, नेशनल सिक्योरिटी, कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी का जो मेजर रीज़न था वो ये था। अगर पाकिस्तान के अंदर बेहयाई के अलावा कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि हम नेशनल सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से टिकटॉक को बैन करते हैं तो फिर हम इसमें पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान के साथ हैं। अगर वो बेहयाई और बुरा मतलब इसको बुनियाद बनाकर अगर वो इस ऐप को ब्लॉक करते हैं या बैन करते हैं तो मेजर रीज़न नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत आसान चीज़ सी मिसाल दूंगी कि अगर आपका हाथ है उसके नेल्स बढ़ जाते हैं तो आप नेल्स ही को काटते हो ना कि पूरे का पूरा हाथ आप काट देते हैं,
तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे इदारे हैं, सेंसर बोर्ड है, बहुत सारे इदारे हैं, अगर वो एक्टिव हों और ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पाकिस्तान की साख के लिए नुकसान दें, तो अगर वो उन लोगों को लोगों के सामने इबरत का निशान बनाए, तो मेरे ख्याल में ये ऐप जो है तो एक बहुत अच्छा ऐप है, एक एंटरटेनमेंट का ऐप है। इस ये पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को पूरी दुनिया के अंदर बनवाता है, यानी पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहियाई वाली बात जो है ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है, और इस पर मैं ज़रूर जोर दूँगी और इस बात को मैं बारहा लोगों के सामने, आवाम के सामने और हुकूमत के सामने रखूँगी कि ये कोई मेजर रीज़न नहीं है कि बहियाई की बुनियाद पर आप किसी भी चीज़ का इस तरह से खात्मा कर लो। अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर आप बहियाई की को सॉलिड रीज़न बनाते हो, तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐप हैं। मनफी सोच और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हर जगह पे होते हैं। जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो हर जगह मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे, जो मुस्बत सोच वाले लोग हैं वो हर जगह मुस्बत ही चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर इंस्टाग्राम देखा जाए, फेसबुक देखा जाए, यूट्यूब देखा जाए, वहाँ पे भी ऐसा मवाद ज़रूर है जो पाकिस्तान की साख के लिए, पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए जो है तो मुफीद नहीं है। तो ये एक नहीं कि आप जस्ट इसको बेबुनियाद, एक बेबुनियाद रीज़न की वजह से बैन कर दो। तो ये खान साहब से मेरी अपील है कि प्लीज़ आप, अगर कोई और इशू है जैसे कि चाइना के साथ उनके इख्तलाफात थे इंडिया के और अमेरिका के इख्तलाफात थे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी रीज़न बताया और उनकी मानने वाली रीज़न दी है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है, जो भी है आप कोई ऐसी सॉलिड रीज़न दें। बहियाई अगर है तो फिर आप ऐसा करें कि इस्लामी कानून नाफज करें, इस्लामी हुकूमत का इनकार करें, फिर आप यहाँ पे इस्लामी कानून को लेके आए, फिर यहाँ पे हर हुदूद जो इस्लाम के अंदर है, हर एक जुर्म की, फिर उसके इनकार करें, तो तभी बहियाई का खात्मा कर सकते हैं। आप उसे अगर किसी कोई पसंद करने को आप भी कर सकते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर होते हैं आप किसी भी, लेकिन टिकटॉक पे मैं सिर्फ अपनी वजह से नहीं आई हूँ, बहुत सारे लोगों की वजह से आई हूँ, बहुत सारी यूथ की वजह से आई हूँ, नौजवानों की वजह से आई हूँ कि उनके लिए, आपको पता है इस तरह तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप किसी से उसका टैलेंट छीन रहे हो, आप किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। खान साहब कहते हैं कि आप स्ट्रगल करो, आप एफर्ट करो, आप कामयाब हो, आप मतलब ये, अगर कोई एक ऐसा नौजवान जो कहीं और रसाई नहीं रखता या उसके पास कोई वो नहीं है कि किसी और जगह मतलब टेलीविज़न तक जा सके या अपना कोई भी टैलेंट वो पब्लिक के सामने लेके आ सके, ये एक उसका प्राइवेट ऐप है, उस पर आके वो मतलब मेहनत करते हैं, लोगों उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, लोगों की तरफ से उसका उसके लिए प्यार बढ़ते हैं और उसका टैलेंट लोगों के सामने आते हैं, तो आप मतलब एक इंसान को कैसे दिमागी तौर पर मखरूज कर सकते हो या एक इंसान से उसकी खुशी कैसे छीन सकते हो। और खासतौर पर जो पाकिस्तान है वो मैं तो बहियाई की यही के मतलब हर वो चीज़ जो इंसान को ईमान का खात्मा कर दे, ईमान से दूर कर दे। देखें अलिया शोबत में ईमान हया जो है ईमान का हिस्सा है और ईमान के साथ हो, अगर हर वो चीज़ बहियाई के भी है कि आपको मतलब आपके अंदर एथिक्स नहीं है, आपके अंदर खाने पीने के तौर तरीके नहीं है, आपके अंदर सलीका नहीं है, आपको किसी से बात करने का तरीका नहीं है, ये सब चीज़ें बहियाई की तरफ आती हैं। तो अगर आप बहियाई की तरफ जाते हो तो बहियाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहियाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस्लाम से दूर कर रही हैं। आप मतलब मेरा सवाल आपसे ये कि आपने जो इतनी तफसील के साथ बताया, आपने जितनी टिकटॉक बनाई उसके अंदर तो बहुत ज्यादा नेशनल लेवल की सिक्योरिटी ब्रीच आपने की, ऐसी जगह पर पहुंचे जिससे सवाल खूब खड़े हुए। ये क्वेश्चन मैं आपसे करती हूं, मेरा ऐसा कोई दूसरा सवाल ये कि आपने अपनी टिकटॉक वीडियोज में जिस पाकिस्तानी खातून को पोर्ट्रेट किया, क्या वो पाकिस्तानी खातून थी? यहाँ पे आप हरकत आ जाती है, लिबास आ जाता है और दीगर तमाम चीजें आ जाती है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी टेलीविजन जो कोई भी टेलीविजन में वहाँ पे जो ड्रामे हैं वो पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान के अंदर ऐसे ड्रामे बना रहे हैं जो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं?
या पाकिस्तान के अंदर ऐसे ड्रामे बनाए रहे हैं जो शलवार कमीज को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा हुआ है? यहाँ पे तो जीन शर्ट भी पहने जाते हैं, यहाँ पे तो दूसरों की निकाली भी की जाती है, यहाँ पे तो इंडियन गानों पे और उन पर डांस भी किया जाता है, यहाँ पे तो बहुत कुछ होता है। अगर पाकिस्तान तो भी यही कहते हो कि अगर आप बहियाई को मेजर रीजन बनाते हो तो बहुत सारी जगहों पर बहियाई प्रमोट हो रही है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहियाई को खिला रहे हो, जहाँ पे आप दूसरे मुल्क की नकाली कर रहे हो, फिर आप इन तमाम चीज़ों का खात्मा करो, मैं इसमें आपके साथ हूँ, फिर आप आके इस्लामी हदूद का हुदूद के निकाल करो, मैं उसमें आपके साथ हूँ। आपका कहने का मकसद ये कि अगर एक बुरा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो वो सही हो जाएगा? ये बुरा कोई काम नहीं, अगर कोई इंसान आपके टैलेंट की प्रमोशन कर रहे हैं या आपके टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप टिकटॉक पे कोई भी पिस्टल वाली पिक्चर अपलोड करें 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी वीडियो गायब कर देंगे, क्योंकि टिकटॉक पे ऐसा कोई भी आप एक्ट करोगे जो टिकटॉक की टीम को लगेगा कि ये नहीं है, मतलब आप पिस्टल वाली वीडियो या ऐसा कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके वो करोगे, आपकी वीडियो टिकटॉक रिमूव कर देगा, आपकी वीडियो की पब्लिक तक रसाई नहीं है। अगर किसी और है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप टिकटॉक के अंदर ऐसी वीडियो अपलोड नहीं। लेकिन उनको एक्सपोज कोई नहीं करता, तो आप कोशिश करेंगी, अपनी यही कोशिश जारी रखेंगी कि जो मर्द बेहयाई करते हैं या उनकी वजह से बेहयाई के इल्जाम से औरतों पर लगते हैं उनको एक्सपोज किया जा सके? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, यहाँ पे मैं इस वक्त जो आई हूँ वो टिकटॉक पे बिजनेस करने के लिए आई हूँ, टिकटॉक मतलब ये जो आवाम भी मुझसे जा रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, बेहयाई मर्द करे या बेहयाई औरत करे उन दोनों को ही मेरे ख्याल में दोनों ही बराबर है। अगर पाकिस्तान का मर्द बहिया है तो उसको भी बहिया कहना चाहिए, औरत बहिया है तो उसको भी बहियाई करना चाहिए। सो मर्द और औरत दोनों में अगर मर्द किसी लेकिन यहाँ पे ये है कि औरत से कोई गलती होती है तो उसका बहुत चर्चे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, उसको अगर मर्द कोई करता है तो मर्द को बहादुर करा दिया जाता है, ये मर्द का वचन है, ये बहुत हमें कि तो ऐसे मर्दों को भी नकल किया जाए, कौड़े लगाए जाए, संसार किया जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, मर्दों को अब मर्द औरतों से ज़्यादा मर्द यहाँ पे गुनाहों में मुलव्वस हैं, औरतों से ज़्यादा मर्द रेप कौन कर रहे हैं, गाड़ियों में औरतों को कौन घसीट रहे हैं, मर्द ही हैं अभी जो मतलब मीडिया पे चल रहे होते हैं, औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, सब उठा आवाज़ उठाए कि एक औरत कैंप में की नहीं जा सकती, एक औरत की अपने बच्चों के साथ नहीं निकल सकती, एक मर्द की शर्म हो या अगर हया की आप औरत की बात करते हैं तो मर्द की हया पर चली गई है, मर्द क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा मतलब इस जो भी मेजर केसेस आ रहे हैं उनमें मर्द मुलव्वस है। अभी जो आपके सामने बिल्कुल जो मोटरवे पे हुआ है वो भी मर्दों ने किया, वो किसी औरत ने तो नहीं किया, वहाँ पे एक औरत की इज्जत लूटी गई है। यहाँ एक छोटी सी बात करूँगा, वजह यह कि यहाँ से हम जो आए सिर्फ टिकटॉक के हवाले से आए, इसमें मुख्तलिफ हाँ नहीं टिकटॉक उसमें बहुत सारी बातें गुफ्तगू उस तरफ हो रही जिस पर मुनासिब नहीं है सवाल जवाब देना। देखो लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं खुद में बेसिकली एक ड्रामा इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, मैं टिकटॉक पर आया, मेरे को एक अल्लाह ताला ने फेम दिया। ये जो सवाल हुआ है या आप लोगों ने हरीम शाह को यहाँ प्लानिंग के तौर पर बुलाया कि टिकटॉक के हवाले से क्यों कल से इतने कॉल्स फोन इसके पास आ रहे हैं न्यूज़ चैनल से टिकटॉक के हवाले से, तो टिकटॉक पे एक सवाल जो आपको तो मेरा ख्याल है वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये कि मुझे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में कोई इतराज़ नहीं है, मुझे लोगों से आंखें मिलाना, लोगों की बातों का जवाब देना बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत लडर, बहुत ब्लंट हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने क्या करते हैं, मुझे अपनी हदूद वजूद का पता है, मुझे एतदाल का पता है, मुझे हर चीज़ का पता है कि कहाँ पे मैं राइट हूँ, कहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ। लेकिन इस वक्त बात करने में टिकटॉक की आई हूँ, अगर इसके अलावा भी मुझसे क्वेश्चन हुए तो मैंने हमेशा टेलीविजन स्क्रीन को जो है तो फेस किया, हमेशा जो भी बात हुई है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और बहुत सच्चाई के साथ सदाकत के साथ उस बात को किया, कभी मैं मीडिया से छुप के या इन बातों का कोई मुझसे क्वेश्चन हुआ हो तो मैंने उसको जवाब ना दिया हो, जितनी बात थी मैंने ना तो बात को बहुत मुबालगा रहा है, एक्सीडेंट किया ना कुछ, मैंने टू द पॉइंट हमेशा बात की, अगर मर्द गलत हुए कहीं पर कुछ गलत हुए तो मैंने वैसा ही बताया, अगर औरत की पे वो है मैं यहाँ पे बात में टिकटॉक ही करने आई हूँ, मैं हुकूमत से मुतालबा करना आई हूँ, मैं इमरान खान से बात
अगर सिक्योरिटी रीजन है या पाकिस्तान की और तरक्याती के काम की कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा मेजर रीजन है तो हम पाकिस्तान के हक में, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम पाकिस्तान के मतलब ऐसे। लेकिन ये नहीं है कि आप बेहयाई वाली बात को वो करें कि टिकटॉक पे बेहयाई हो रही या टिकटॉक बेहयाई की वजह से, ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है। कोई ऐसा सॉलिड रीजन अवाम को दे ताकि अवाम आपकी बात पे जो है तो वो हो सके या अवाम को आप सेटिस्फाई करें। दूसरा बात है कि हुकूमत जब भी कोई स्टंट कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का लोगों के माइंड चेंज करने के लिए, लोगों को मूव किसी और तरफ करने के लिए, पाकिस्तान की मतलब आबादी जो है उसमें टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो बच्चे बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब देखते हैं। और आज अगर देखा जाए पब्लिक अवाम की रिव्यू देखे जाए तो 95% लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए, 5% लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। बिल्कुल इंसान मेरे ख्याल में परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और मेरे ख्याल में इंसान निस्यान से है, गलतियों से ही इंसान सीखते हैं। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा या कुछ ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गलती का इतराफ़ कर लेना चाहिए, गलती को मानना भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हरीम शाह से कोई गलती हुई या मैंने कोई गलती की है तो मैं अपनी गलती का इतराफ़ ज़रूर करूँगी, मैं उस गलती को अपने से दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नहीं की, अगर कोई मुझे कह रहा है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई ऐसा कि मैंने ये किया हो, आप मेरे पूरे टिकटॉक जाके देखें, मेरे टिकटॉक पे कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे मुल्क के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के उसके खिलाफ हो। टिकटॉक मैंने बनाया है जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हुई है ना, तो टिकटॉक बहुत सारे, अगर आप कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस की बात को करें तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। अगर आज हमारी हुकूमत नाअहल ना होती तो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का ये हाल ना होता। बहुत अच्छा किया है हरीम शाह ने और हमेशा ऐसे ही करते आएगी, उस बात में मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई गलती नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। आप अगर काइंडली एक एक करके मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं आप सबको जवाब दे सकती हूँ। टिकटॉक क्या मनफी और मुस्बत लोग हर जगह होते हैं पाकिस्तान में। ये हमारी सोच होती है हम किसी भी ऐप को कैसे यूज करते हैं, हम एतदाल में नहीं करते हैं या हम क्या करते हैं। अगर ऐप के अलावा कोई भी लोग गुनाह करते हैं तो वो ये तो नहीं किसी की वजह से था, वो जहालत की वजह से ऐसा किया। आप किसी ऐप को ये सनील हटक के साथ मेरी दोस्ती थी, आप नहीं है ये पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अब नहीं है मेरी दोस्ती। आपको बहुत सारी ऐसी ऐसे काम भी करती हूँ जो कि मुझे लगे कि मेरे लिए सत्य जारी बन सकते हैं और मेरे गुनाह का अदालत कर सकते हैं। उसमें मुझे कोई रियाकारी करने की या कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मैं इखलास नियत के साथ करती हूँ, क्योंकि इन्ना मला मालूम नियत, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए वो भी करती हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे नए काम करने और किस तरह उसका इजहार करना। तो इसमें मुझे कौन किसका बेटा है। यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये जरूर देखा जाता है कि अगर किसी के थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं या कुछ है तो उस
रखा जाते हैं, अगर कोई गरीब है या कोई इस तरह के तो उसको लेना मसाबियात होनी चाहिए। कोई भी जुर्म करते चाहे वो मैं हूँ या कोई भी टिकटॉकर है, कोई भी जुर्म करते उसको बेलगाम करें। जो भी क्रिमिनल एक्ट करते ये तो हमारे इदारों को पता है कि कौन क्राइम कर रहे हैं तो उसकी क्या सजा है। अगर कोई भी क्राइम ये तो पाकिस्तानी इदारों की जिम्मेदारी है कि कोई क्राइम कर रहे हैं, अगर कोई किसी भी तरह का क्राइम कर रहे हैं तो उसको क्या सजा होनी चाहिए ये तो पाकिस्तानी इदारों को पता अच्छे से पता है। वो मतलब मेरी ऐसी कोई वीडियो को तनाजा नहीं रही। आपको पता है ये जो मीडिया है ये दिजाल है सबसे ज्यादा, छोटी सी बात को एग्जिजरेट करके और झूठी बातें बनाते हैं और किसी पे इल्जाम तराशी करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज को साबित करना, अगर मैंने ऐसा कोई भी क्राइम किया होता तो मैं कोई इतने बड़ी वो नहीं हूँ, मैं भी इस वक्त जो है तो जरूर मेरे ऊपर कोई ना कोई सजा होगी। लेकिन मैंने ऐसा कोई मेजर मैंने कोई जी बिल्कुल मैं ये समझती हूँ और मैं ये यहाँ पे मैं खुद खान साहब से ये अपील करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खान साहब आपने जितने भी वादे बयान किए थे बेरोजगारी को खत्म करेंगे, गुरबा को छत देंगे, तरीम को निफाज करेंगे, ये सब चीज़ें आप अभी हुकूमत को काफ़ी सारा टाइम हो गया आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक राइस उसकी राइट के बारे में पूछा जाएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि लाला नफसन अल्लाह को सहा, उस वक्त तक कोई नफ्स मुकल्लफ नहीं होता जिम्मेदारी उठाने का, जब तक तो आप मुकल्लफ हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं आप, मतलब डिजर्व करते थे तो ये, लेकिन आप ये कि आप राइडर के बारे में सोचें, उनके साथ जितने भी वादे गई थी उनको पूरा करें, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिनट मुझे जवाब देने दें कि पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता है तो मैं पर्दा नहीं करती, मैं कहाँ पे नंगी होगी फिर रही हूँ, कहाँ पे लिबास रही हूँ, सर पे दुपट्टा करना ना करना वो मेरा अपना हो है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन है जो सर पे दुपट्टा नहीं करती, मैं वो नहीं करती। आपको पता है हया पर्दे के बारे में भी कोई वैसे मोबाइल से नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि पर्दा जो है मर्द के लिए अगर नाक से घुटनों तक है तो औरत के लिए हाथ पांव और सर के मतलब हाथ फेस और पांव के अलावा पूरे का पूरा जिस्म डालता पर्दे में। पर्दे में बहस नहीं करना चाहती मैं, इस्लामी उस पर वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये मेरी मर्जी है, मेरा अल्लाह मुझे कुछ ना कहीं सर पर दुपट्टा लेती है या नहीं, लेकिन मर्दों को भी कहूँगी कि वहाँ पे भी निगाह को नीचे रखने का और नीचे करने का हुक्म है, तो मर्द की आंख में भी है आज। और मौला का सवाल तो मेरा हट जाए यार, आप बोलिए जी जी हुक्म करें यार, जो नहीं आप क्या बोलिए कैमरे लगे हैं मतलब उसके आगे आ गए। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी बात हुकूमत तक कन्वे ही कर सकते हैं, पाबंदी हटाना या ना हटाना हमें नहीं पता कि ये टेम्परेरी है ये परमानेंट है, ये उनका काम है कि वो किस तरह से, क्योंकि इमरान खान को लोगों ने वोट दी और वोट लेके वो आ गया है, तो उनको चाहिए कि मतलब जो यंगस्टर है जो यूथ है उनके मुतालबात भी माने जो जायज़ मुतालबात। बहुत शुक्रिया।